यूपी के प्रयागराज से आतंकियों के जुड़े हैं कनेक्शन। इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्र संपर्क में थे, आरोपी फरार है। आपको बता दें कि लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा विंग अंसार गजवातुल हिंद के संदिग्ध आतंकी मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन उर्फ मुशीर ने एटीएस की पूछताछ में कई राज उगले हैं। पूछताछ में आतंकियों का कनेक्शन प्रयागराज के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट से निकला है। इसके बाद एटीएस ने बुधवार को संगम नगरी के इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर पूछताछ की। अभी तक छात्र फरार बताया जा रहा है और उनका मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है। फिलहाल एटीएस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। एटीएस की जांच में 8 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स आतंकियों के संपर्क की बात पता चली है। उनमें एक प्रयागराज का, एक कानपुर देहात का और एक बारा क्षेत्र का है। आतंकियों से स्लीपिंग सेल का ये इनपुट मिलने के बाद एटीएस की 2 टीमें कानपुर व प्रयागराज के लिए रवाना हो गईं। सूत्रों के अनुसार आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन की ओर से ट्रेनिंग देकर तैयार किया जा रहे स्लीपर सेल के 8 लड़कों में से कुछ छात्र प्रयागराज के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के बताए जा रहे हैं। छानबीन में एटीएस को ये पता चला है कि स्लीपर सेल के इन 8 सदस्यों ने बाकायदा आतंकी ट्रेनिंग ली है। ये सभी सोशल मीडिया के साथ साथ आधुनिक संसाधनों में भी महारत हासिल किए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार एटीएस की टीम उस छात्र के पूरे बैकग्राउंड को खंगाल रही है और ये पता लगा रही है कि उसने अपने साथ किस किस को जोड़ा था। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।